हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का हमारा क्लास ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हमने पिछले दो वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस पर बना रखे हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, पहले जाकर उसको देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रहा था, उसी के क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का कोण ए पर 45 अंश है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण बी पर घटकर 30 अंश हो जाता है। गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। यहाँ पर एक गुब्बारा है। गुब्बारा क्या है? उड़ रहा है क्षैतिज रेखा में, एक यहाँ पर उड़ रहा है गुब्बारा। और प्रेक्षक क्या करता है? उसको देखता है। यहाँ पर गुब्बारा 90 मीटर ऊंचाई पर क्या कर रहा है? उड़ रहा है ना। इसका नाम दे देते हैं ए बी। ए बी की ऊंचाई कितना दिया है? 90 मीटर। और यहाँ पर शिखर से प्रेक्षक की आंखों पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? ए पर बन रहा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा पर बन रहा है 45 डिग्री। कुछ समय पश्चात यहाँ पर दो गुब्बारा उड़ रहा है, एक और गुब्बारा ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, दो गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पर एक और गुब्बारा लेते हैं। अगर इसकी ऊंचाई कितना दी है? 90 मीटर। ए की समांतर है, इसका भी ऊंचाई कितना होगा? 90 मीटर होगा। इसका नाम दे देते हैं गुब्बारा का, सॉरी इसको ए से पी लेते हैं इसकी ऊंचाई, और इसको लेते हैं बी से क्यू। तो यहां पर बी गुब्बारा पर उन्नयन कोण इस प्रेक्षक की आंखों में घट कर कितना अंश हो जाता है? बोलता है 30 अंश हो जाता है। अंश हो जाता है। इस बिंदु का नाम ले लेते हैं ए बिंदु, यहाँ पर लिए हैं, और इस बिंदु का नाम ले देते हैं क्या? बी बिंदु। तो हमें क्या करना है? ए से बी की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर पी और क्यू दो भूमि के तल पर कोई बिंदु है जिसमें कोई गुब्बारा क्या कर रहा है? इस बिंदु से ऊपर की ओर उड़ रहा है। कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है? 90 मीटर ऊंचाई पर क्या है? उड़ रहा है। यहाँ पर प्रेक्षक खड़ा हुआ है। प्रेक्षक की आंखों पर इसका अवनमन कोण, पहले ए पर उन्नयन कोण कितना दिए, सॉरी उन्नयन कोण कितना दिए? 45 अंश। और बी पर उसका उन्नयन कोण कुछ समय पश्चात घट कर क्या हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। ऐसा बोल रहा है 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें ए से बी के बीच की दूरी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहां पर इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी। यहाँ पर सी क्या है? एक प्रेक्षक है, याद रखें कि सी प्रेक्षक है। यहाँ पर ए बी क्या है? गुब्बारा है जो भूमि के तल से ऊपर उड़ रहा है, जिसकी ऊंचाई ए बी का मान दिया 90 मीटर, और बी क्यू का मान दिया है 90 मीटर ऊंचाई दिया है। सी से ए पर उन्नयन कोण दिया 45 अंश, सी से बी पर उन्नयन कोण दिया है 30 अंश। तो यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम सीधा हल करते हैं। यहाँ पर ए पी सी से सबसे पहले देखते हैं जो दिया है उसको लिख देते हैं। यहां पर ए सी पी इसका मान कितना दिया है? 45 अंश। और बी सी क्यू कोण बी सी क्यू बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री दिया हुआ है। और ए से पी बी से क्यू, ए से पी बराबर बी से क्यू, दोनों का मान 90 मीटर ऊंचाई दे दिया है। तो समकोण त्रिभुज से चलते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ए पी सी से टेन थीटा का मान लंबवत है, आधार लंब क्या है? ए से पी, आधार क्या है? पी से सी। तो टेन यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है कोण। तो ए पी का मान 90 मीटर बटे पी सी, 45 अंश का मान क्या होता है? 1 90 बटा PC, PC गुणा 1 में करेंगे तो PC बराबर क्या होगा? 90 मीटर।
90 मीटर प्राप्त हुआ। अब एक और त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज बी क्यू सी से, बी क्यू सी से, तो इसमें टेन थीटा का मान निकालेंगे, लंब बटे आधार, लंब क्या है बी से क्यू, आधार क्या है क्यू से सी, तो टेन यहां पर डिग्री बन रहा है 30 अंश, तो बी क्यू का मान कितना दिया 90 मीटर, और क्यू से सी का मान हमें प्राप्त नहीं है। टेन 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर 90/QC, क्यू सी गुणा इसमें करेंगे तो क्यू सी बराबर इसका गुणा इसमें 90 वर्गमूल कितना 3 मीटर। यहाँ पर 90 वर्गमूल 3 मीटर प्राप्त हुआ, हमें क्यू सी का मान मिल गया 90 वर्गमूल 3, और पी सी का मान, पी से सी का मान मिल गया 90 मीटर। यहाँ देखेंगे क्यू से सी का मान, यहाँ कंप्लीट डिस्टेंस निकल गया हमारे पास कितना 90 वर्गमूल 3, और पी से क्यू का मान यहाँ से, पी से सी का मान मिला है यहाँ से 90 मीटर, है ना। तो इतना हमें ज्ञात करना है, अर्थात ए बी ज्ञात करना है, ए बी अर्थात पी क्यू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः पी क्यू का मान निकालना है, तो पी क्यू का मान निकालेंगे तो टोटल दूरी में, इतना बड़ा दूरी में इस दूरी को घटा देंगे, टोटल दूरी कितना है 90 वर्गमूल 3 माइनस 90, तो 90 कॉमन निकलेगा, तो वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर, ये आपका पी क्यू है। तो पी क्यू को किसके बराबर लिख सकते हैं, ए बी के, अतः ए बी बराबर कितना होगा 90 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। अतः दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी 90 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर प्राप्त हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, तेज हवा से एक पेड़ टूट जाता है, टूटे हुए पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 60 अंश का कोण बनाता है, पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है वहां से पेड़ का पात बिंदु 6 मीटर दूरी पर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर एक पेड़ है, एक पेड़ बनाते हैं, है ना, ये आपका पेड़ है, पेड़ में इसका लंबाई ले लेते हैं बी और यहां पर ले लेते हैं सी। तेज हवा के कारण क्या होता है, पेड़ टूटता है, कहां से टूटता है, बिंदु सी से, और टूटकर ये नीचे गिर जाता है, ऐसा ऐसा गिर गया है, ठीक है, पहले ऊपर था, टूट के नीचे गिर गया है, जो कि समतल भूमि पर क्या करता है, स्पर्श करता है, ये आपका पेड़ का ये पाद बिंदु है, बिंदु बी पाद बिंदु है, और यहाँ बिंदु क्या ले लेते हैं, इसको ए लेते हैं, है ना, ए से सी टूट कर नीचे गिर जाता है, तो ए और बी के बीच की दूरी दिया है कितना 6 मीटर है, बोलता है पाद बिंदु से इसकी बीच की दूरी कितना दिया है 6 मीटर दिया है, और यहां पर प्रश्न बोला है इसके साथ 60 अंश का कोण बनाता है, यहां पर उन्नयन कोण दे दिया है, पेड़ का उन्नयन कोण यहां नीचे गिरता है कितना 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या ऊंचाई का मान, ये आपका पेड़ की डिस्टेंस का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं क्या एच, ये पूरा ऊंचाई का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज सबसे पहले दिया उसको लिख देते हैं, दिया है ए बी का मान कितना दिया है 6 मीटर, और एंगल ए का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो त्रिभुज क्या लेते हैं सी बी ए में, सी बी ए में टेन थीटा का मान क्या था, लंब बटे आधार, लंब क्या है बी सी, आधार क्या है ए बी, तो टेन कितना डिग्री 60 डिग्री, बी सी का मान हमें नहीं प्राप्त है, और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 6 मीटर, तो टेन 60 अंश का मान होता है 1/60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3, यहाँ बी सी बराबर 6 गुणा इसमें करेंगे तो बी सी बराबर क्या होगा 6 वर्गमूल 3 मीटर, यहाँ पर बी से सी का मान हमें प्राप्त हुआ 6 वर्गमूल 3, तो यहाँ पर आगे इसी में एक और ले सकते हैं,
एक और त्रिभुज से कास सृष्टि भी की बना लेते, इसी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज CBA में क्या लेते हैं कास थीटा का मान है ना, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटा क्या होगा कर्ण होगा, तो कास कितना 60 डिग्री, आधार का मान क्या है AB का मान 6 मीटर और कर्ण का मान कर्ण क्या है ACC है, कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 बराबर 6 बटा AC, AC गुणा करेंगे तो AC 6 में कितना हो जाएगा 12, यहाँ ACC का मान क्या हुआ है 12 मीटर प्राप्त हुआ है, ठीक है, BC का मान मिला है हमें कितना 6 वर्गमूल 3 मीटर, इतना का मान मिला 6 वर्गमूल 3 मीटर और AC का मान कितना मिला है 12 मीटर मिला है, और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर मान लेते हैं A है, ये रूट ACC से गिरा है ना, तो AC है ऊपर तक, यहाँ A से B का मान ज्ञात करना है, A से B का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A से B का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे A से C में C से B को जोड़ देंगे, A से C में C B को क्या करेंगे जोड़ेंगे, AC का मान कितना मिला है AC का मान मिला है 12 मीटर और CB का मान BC का मान मिला है 6 वर्गमूल 3, दोनों का मान मिलेगा 6, 6 गुणी 12 और यहाँ पर वर्गमूल 3 है 3, इस तरह पेड़ की ऊंचाई 6 कोष्टक में 2 धन वर्गमूल 3 मीटर प्राप्त हुआ। यहाँ पर ध्यान रखेंगे A B एक पेड़ है जो कि आंधी तूफान के कारण क्या होता है बिंदु C से टूटकर नीचे आता है जो कि पाद बिंदु से 6 मीटर दूरी पर गिरता है, तो यहाँ पर A से B का मान 6 मीटर है, तो हमें फाइंड आउट करना है A से B का मान जो कि हमें प्राप्त हो गया कितना 6 वर्ग कोष्ठक में क्या है 2 प्लस वर्गमूल 3 मीटर। चलो तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 मीटर दूरी पर है, उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक प्रेक्षक दिया हुआ है, प्रेक्षक यहाँ पर है, इसकी ऊंचाई भी दिया है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर इस प्रेक्षक की ऊंचाई है, प्रेक्षक को मान लेते हैं ई और ए, ई ए एक प्रेक्षक है, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी मान सकते हो, जिसकी ऊंचाई दी है 1.4 मीटर और इसमें एक मीनार है यहाँ पर खड़ा हुआ है, मीनार ले लेते हैं बी से सी, बी से सी एक मीनार है, इसके तल के बीच की दूरी यहाँ पर ए से बी मीनार और प्रेक्षक के बीच की दूरी कितना दी है प्रश्न में 25.6 मीटर, 25.6 क्या है 6 मीटर दिया है। अब आगे प्रश्न बोला है उसकी आंखों से मीनार के शिखर को उन्नयन कोण, अब प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा है तो आंख तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया है 45 अंश बोला है, तो यहाँ पर ए से बी का मान 25.6 है, तो यहाँ पर ही लेंगे है ना, तो ये दूरी भी कितना होगा 25.6 मीटर ही प्राप्त होगा, जितना ये दूरी है समान समान दूरी है, तो यहाँ पर 25.6 मीटर प्राप्त होगा, इसको ले लेते हैं ई से डी, ठीक है, तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 45 अंश, प्रश्न बोला है कोण बना है 45 अंश, तो हमें क्या करना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो यहाँ मीनार की ऊंचाई क्या लेंगे बी से सी, ये आपका मीनार की ऊंचाई बी से सी है, इसका एक समान क्या करना है फाइंड आउट करना है, चलिए जो जो दिया है उसको ले लेते हैं, तो सबसे पहले ये क्या है प्रेक्षक है और ए सी बी क्या है मीनार है, दोनों के बीच की दूरी ए बी का मान 25.6 मीटर दिया है और यहाँ पर उसके आंख से शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया 45 अंश, तो हल करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज सी डी ई में सी डी ई संपूर्ण त्रिभुज सी डी ई में लेते हैं टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर टेन कितना डिग्री दिया है 45 डिग्री, लंब का मान क्या है सी से डी, आधार ई से क्या है बी, टेन 45 अंश का मान एक, तो सी डी का मान हमें मालूम नहीं है, ई डी का मान कितना दिया है 25.6 मीटर, इसका गुणा इसमें करेंगे
सी डी बराबर कितना 25.6 मीटर प्राप्त हुआ है ना। इसका गुणा इसमें करेंगे तो सी डी का मान प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो चलिए देखते हैं अब हमें सी डी का मान ज्ञात करना है। अतः सी डी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमें सी से डी मिल गया है और डी बी का मान कितना है 1.4। इतना में इतना का जोड़ देंगे अर्थात सी डी प्लस क्या डी बी। सी डी का मान कितना है 25.6 और डी बी का मान कितना है, ये डी बी है तो ये भी बराबर होगा 1.4 कितना होगा 4। तो 4 और 6 10 की 0 हासिल आए 25 और 1 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। 27.0 अर्थात 27 मीटर मीनार ऊंचाई प्राप्त हुआ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक सीधी सड़क एक भवन के पाद तक जाती है, भवन के शिखर पर से एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, कार भवन के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है, 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, तो भवन ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक भवन लेते हैं ए से बी, ए से बी एक भवन है, यहाँ पर हमें भवन की ऊंचाई मान लेते हैं क्या एच लेते हैं, इसका मान हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक कार है जो कि बिंदु सी पर है, सी से चलना प्रारंभ करता है और ये पाद बिंदु की ओर चलता है, तो सी से आगे चलकर एक बार कहाँ चल देता है डी पर पहुंच जाता है और डी से चलते चलते पाद बिंदु की ओर चलता है ये तक। तो बोला है इसके शिखर से अवनमन कोण, तो यहाँ पर शिखर क्या है बी है, बी से इस कार यहाँ यहाँ पर चलते चलते पहले यहाँ पर रहता है फिर यहाँ चले जाता है, इस पर अवनमन कोण दे दिया, अवनमन कोण कितना दिया है पहले सी पर है तो कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पर बनेगा है ना, इसको एकांतर कोण के नियम से यहाँ लिख देते हैं 30 डिग्री, फिर कार चलते चलते कहाँ पहुंच गया डी पर, तो यहाँ पर अवनमन कोण का मान कितना हो जाता है पहले बढ़कर कितना 60 डिग्री हो जाता है, पहले 30 अंश था बिंदु डी पर पहुंचता है तो 60 डिग्री हो जाता है। तो चलिए हल को डील करते हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में टेन थीटा का मान क्या होगा, लंब ए बी बटा आधार क्या होगा ए बी, तो यहाँ पर टेन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी, आधार क्या होगा ए डी, तो टेन थीटा का मान यहाँ सॉरी ए बी डी में लिए हैं, यहाँ पर कोण कितना बना 60 डिग्री, ए बी का मान कितना है एच और ए से बी का मान हमें प्राप्त नहीं है, तो टेन 60 अंश का मान क्या होगा वर्गमूल 3, तो एच अपान क्या होगा ए डी, ए डी को यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 3 ए डी बराबर क्या होगा एच, यहाँ एच का मान वर्गमूल 3 ए डी प्राप्त हुआ। इसको फर्स्ट समीकरण लेते हैं, आगे हम करते हैं त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में लेते हैं तो यहाँ टेन थीटा का मान क्या होगा लंब बटे आधार, लंब फिर क्या होगा ए बी, आधार का मान क्या होगा ए से सी, तो टेन कितना डिग्री लेंगे 30 डिग्री दिया है यहाँ पर कोण, तो ए बी का मान कितना है एच और ए सी का मान हमें प्राप्त नहीं है, तो टेन 30 अंश का मान 1/3 एच का मान क्या होगा ए सी, ए सी गुणा इसमें करेंगे ए सी गुणा इसमें ए सी अपान क्या होगा वर्गमूल 3 बराबर क्या एच, एच यहाँ पर 3 को भी ले सकते हैं तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो वर्गमूल 3 इंटू एच प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पर ए सी का मान क्या लिख सकते हैं, ए से सी का मान लिख सकते हैं, ए से डी और डी से सी, तो यहाँ पर ए सी को लिख सकते हैं ए से डी प्लस डी से क्या सी बराबर एच वर्गमूल 3, ए डी का मान कितना है तो यहाँ पर ए डी का मान निकला है एच अपान वर्गमूल 3, यहाँ पर निकालने के ए डी का मान ए डी को यहाँ करेंगे ए डी तो वर्गमूल 3 नीचे मारेंगे तो एच अपान क्या होगा वर्गमूल 3 रख देते हैं, ए डी का मान एच अपान वर्गमूल 3 प्लस ए क्या होगा डी सी बराबर एच वर्गमूल 3
उधर तो डीसी बराबर एच वर्गमूल तीन प्लस प्लस है इधर तो क्या हो जाएगा माइनस एच अपान वर्गमूल तीन। यहाँ लघुतम आएगा वर्गमूल तीन सॉरी यहाँ एच को कॉमन ले सकते हैं एच को कॉमन लेंगे तो वर्गमूल तीन माइनस एक बटा वर्गमूल तीन प्राप्त होगा। एलसीएम से हल करेंगे तो यहाँ एच वर्गमूल तीन गुणा तीन में तो तीन किया नौ नौ वर्गमूल कितना होगा तीन ही होगा माइनस यहाँ वन है तो वन अपान क्या होगा वर्गमूल तीन एलसीएम आया। इस तरह डीसी का मान एच तीन माइनस वन अपान वर्गमूल तीन प्राप्त हुआ तो एच तीन में घटेगा कितना दो बटा वर्गमूल तीन। तो यहाँ पर डीसी बराबर एच दो बटा वर्गमूल तीन प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर एक हम मिस करते चले गए हैं यहाँ सीडी का मान प्रश्न में दे दिया है 30 मीटर इसी कारण हमारा क्वेश्चन लेंथी हो गया अन्यथा जल्दी हल हो जाता तो यहाँ सीडी का मान निकाल सकते हैं। सीडी का मान कितना दिया 30 बराबर एच दो बटा वर्गमूल तीन दो एकम दो दो पंद्रह तीस हो जाएगा तो पंद्रह बराबर क्या होगा एच एक बटे वर्गमूल तीन इसका गुणा इसमें करेंगे तो पंद्रह वर्गमूल तीन बराबर क्या एच अतः ऊंचाई 15 वर्गमूल 3 मीटर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी क्या है भवन है जिसमें ए पाद बिंदु और बी उसकी क्या है ऊंचाई है। यहाँ कार क्या है यहाँ चलना प्रारंभ करता है सी से और ए की ओर जाता है सी पर है तो अनुमान कोण 30 अंश बी पर है तो अनुमान कोण क्या 60 अंश सी बी के बीच की दूरी कितना दिया है 30 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे ए बी डी में जाएंगे तो 10 मीटर वाला लंब बटे आधार लंब क्या है ए बी आधार क्या है ए डी AB का मान H, AD, 10 थीटा का मान 60 डिग्री दिया है तो 10 60 का मान वर्गमूल 3 यहां AD का मान निकालेंगे तो वर्गमूल 3 यहां पर आएगा AD यहां पर आएगा H अपान वर्गमूल 3 ये आपका फर्स्ट समीकरण ले लेते हैं। इसको आगे क्या करते हैं त्रिभुज ACB में लेते हैं तो 10 थीटा लंब बटे आधार लंब क्या है AB आधार क्या है AC 10 कितना 30 डिग्री H अपान क्या होगा AC क्योंकि AB का मान क्या है H है तो यहां पर 10 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3 H अपान AC यहाँ एसी को मान निकालेंगे तो वर्गमूल तीन गुणा एच में एच वर्गमूल तीन यहाँ पर एसी को क्या लिख सकते हैं ए से सी को लिख सकते हैं ए से डी डी से सी ए से डी प्लस डी से सी एच वर्गमूल तीन ए डी का मान एच अपान वर्गमूल तीन डी से डी सी एच वर्गमूल तीन डी सी का मान निकालेंगे तो ये उधर पक्षांतर होगा तो ये माइनस हो जाएगा तो कॉमन निकलेगा एच तो वर्गमूल तीन माइनस एक बटे वर्गमूल तीन। तो यहाँ पर हमको डी सी का मान दे दिया था है ना पहले से यहाँ एक बार हल कर लेते हैं एच वर्गमूल तीन गुणा तीन में तो तीन दिया नौ नौ वर्गमूल कितना आएगा तीन और यहाँ माइनस वन है तो वन तीन में घटेगा कितना दो बटे वर्गमूल तीन। तो यहाँ पर डीसी का मान निकल गया है एच दो बटा वर्गमूल तीन डीसी का मान कितना है तीस एच दो बटा वर्गमूल तीन दो एकम दो पंद्रह तो यहाँ पंद्रह बराबर एच एक बटा वर्गमूल तीन तीन गुणा इसमें होगा तो पंद्रह वर्गमूल तीन बराबर क्या एच। इस तरह हमें इसकी ऊंचाई 15 वर्गमूल 3 प्राप्त हुआ। भवन ऊंचाई कितना प्राप्त हुआ 15 वर्गमूल 3।